हेलो एवरी वन होप यू ऑल आर डूइंग वेल सो आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर फिफ्टीन इंडियाज़ नेचुरल रिसोर्सिस इसके क्वेश्चन आंसर समझेंगे सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वट डू यू अंडरस्टैंड बायर नेचुरल रिसोर्स नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो क्या होते हैं आप उनसे क्या समझते हैं सो so, इसका आंसर होगा नेचर हैज़ गिफ्टिड अर्थ विद थिंगस लाइक एयर वाटर फॉरेस्ट सॉइल एंड वाइल्ड लाइफ विच आर नॉन एज नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हमारे रीनुएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सिस हैं जो नेचर से हमें गिफ्ट कितना मिले हैं वो सब हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज द डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इनके बीच में क्या डिफरेंस है और एग्जाम्पल भी देने हैं आपको सो आंसर इज नेचुरल रिसोर्सेज सच एज़ एयर वाटर एंड सनलाइट आर ऑलवेज अवेलेबल अवेलेबल इन प्लेंटी इन नेचर दीज कैन बी रिन्यूड एंड आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सिस जैसा कि हमने चैप्टर में भी पढ़ा था रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे जो बहुत अच्छी क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल हैं और लाइफ टाइम ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले वो होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक एयर वाटर सॉइल ये सब रीन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड इन क्वांटिटी एंड गेट रिड्यूस्ड यूज्ड आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कोयला है पेट्रोलियम है ये कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं और जो मिनरल्स हैं फॉसिस फ्यूल्स हैं वो लिमिटेड एक लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास है और ये जैसे जैसे यूज़ हो रहे हैं वैसे वैसे इनकी जो क्वांटिटी है वो कम होती जा रही है और अगर ये हमें मिलेंगे तो इनको वापस हमें मिलने में बहुत मिलियन ईयर्स लग जाएंगे So, ये कुछ ऐसे प्रीशियस रिसोर्सिस हैं जिन्हें हमें बहुत ही केयरफुली यूज करना चाहिए इन्हें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सिस कहते हैं नेक्स्ट इज सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सिस हो गए लाइक कॉयल पेट्रोलियम एक्सेट्रा और मिनरल्स हो गए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वो तो सब नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज सॉइल प्रीशियस एंड इंपॉर्टेंट सॉइल हमारे लिए किस तरीके से प्रीशियस है और ये इम्पॉर्टेंट है किस तरीके से सो आंसर इज सॉइयल फॉर्म्स द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस आपको पता है जैसे सॉइल जो होती है वो अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर है इट इज़ यूजअली द मोस्ट फर्टिल लेयर ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ लेयर होती है फर्टाइल होती है ये बहुत इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अर्स बिकॉज प्लांट एंड ट्रीज ग्रोन ऑन दिस और ये हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जितने भी हमारे ट्रीज हैं प्लांट्स हैं ये सब इसी में ग्रो होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट आर फॉसल फ्यूल्स फॉसल फ्यूल्स आर फॉर्म ओवर मिलियंस ऑफ ईयरस फ्राम द पुरिड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दे आर यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं वो ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स बाद फॉर्म होते हैं वो भी जो डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के उनसे ये बनते हैं और इनसे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है लाइक कोयल पेट्रोलियम नेचुरल गैस ये सब फॉसिल फ्यूल्स हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एन एग्जाम्पल विद अ फ्लो डाइग्राम ऑफ द इंटर कनेक्शन ऑफ एनिमल्स एंड पीपल कि किस तरीके से एनिमल्स और पीपल एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है वो आपको एक डायग्राम के डायग्राम के थ्रू इस आंसर में बताना है सो आंसर इज पीपल एंड एनिमल्स आर इंटर कनेक्टेड टू मैंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर यू कैन सी दिस इन द फ्लो डाइग्राम हेयर और पीपल्स और एनिमल्स एक दूसरे से इंटरकनिक्ट जिसकी वजह से हमारे नेचर का बैलेंस बना हुआ है सो so वो आपको इस डायग्राम में शो कर किया हुआ है और ये आपकी बुक में भी है डायग्राम जब हमने चैप्टर किया था तब भी हमने ये किया था कि लाइक अर्थ वर्म्स लिव अंडरग्राउंड मेकिंग टिनी बोरोस देन देयर ड्रॉपिंग मेक द सोइल फर्टाइल एंड देयर ब्राउइंग मिक्सस द सोइल और इसी तरीके से जो प्लांट्स एंड क्रॉप्स होते हैं वो ग्रो वेल इन दिस सोइल सो इस तरीके से एनिमल्स क्या है पीपल्स की हेल्प करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स की जो फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं उनको आपको करेक्ट करके अपनी नोटबुक में भी लिखना है सो फर्स्ट इज रिन्यूएबल रिसोर्सिज हैव अ लिमिटेड सप्लाई सो ये फॉल्स है बिकॉज इसकी करेक्शन होगी रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर अवेलेबल प्लान नेचर की ये काफ़ी अच्छी मात्रा में हमारे पास हमारे नेचर में अवेलेबल हैं सो ये लिमिटेड नहीं है सेकेंड इज सीज एंड ओशंस आर द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर So, ये भी फॉल्स है स्टेटमेंट बिकॉज इसकी करेक्शन होगी रेन इज द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. अर्थ पे जो फ्रेश वाटर का जो मेन सोर्स है वो रेन है नेक्स्ट इज माइका एंड लाइम लाइमस्टोन लाइम स्टोन आर मेटलिक मिनरल सो ये फॉल्स स्टेटमेंट है इसकी करेक्शन होगी माइका एंड लाइम स्टोन आर नॉन मेटलिक मिनरल्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉल इज अ फॉसिल फ्यूल सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कि कॉयल एक फॉसिल फ्यूल है एनिमल्स एंड पीपल लिव टूगेदर पीसफुली इन बायोस्फेयर रिजर्व ये भी स्टेटमेंट ट्रू है जहां जहां इंडिया में बायोस्फेयर रिजर्व बने हुए हैं वहां पर एनिमल्स एंड पीपल आपस में रहते हैं पीसफुली अब हम बुक की एक्सरसाइज देखेंगे जी कि आपको बुक में ही फिल करनी है लास्ट वीडियो में मैंने आपको न्यू वर्ड्स बताए थे और अब आपको जो बुक वर्क है वो बुक में ही फिल करना है फर्स्ट वन इज क्वेश्चन फिलिंग द द ब्लैंक्स फर्स्ट वन इज़ इज मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन इंडिया इंडिया रेन में फ्रेश वाटर का जो मेन सोर्स है वो है रेन सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश एंड डैश आर क्लीन फ्यूल सो नेचुरल गैस एंड हाइड्रोजन आएगा इसमें कि ये क्लीन फ्यूल्स होते हैं जो इनवायरमेंट को पोल्यूट नहीं करते हैं नेक्स्ट इज सॉयल इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस विच प्लांट प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो जिसमें प्लांट और ट्रीज ग्रो होते हैं सॉयल जो कि टॉप मोस्ट लेयर होती है अर्थ की नेक्स्ट वन इज कोयल एंड पेट्रोलियम आर फॉसल फ्यूल्स एंड पेट्रोलियम इज़ प्योरीफाइड इन रिफाइनरीज ये फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे पेट्रोलियम से पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है